यस यस आपने देखा होगा कि मैंने ज्यादातर कानपुर जब नया नया आया था तो कानपुर वगैरह के बारे में सुना था कि लोगों को जब नया नया हाथ लगा तो चार चार पांच पांच हजार रुपए पांच मिनट दस मिनट पंद्रह मिनट में सिर्फ लोगों के टेस्ट करने के लिए ले लिए थे लोगों से ऐसा था ये थी ये एक्चुअली मिरेकुलस मशीन है अभी तक फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अमेरिका ने ऐसी कोई मशीन अप्रूव नहीं की जो ह्यूमन बॉडी पे इस तरह से काम कर दे एक्यूरेटली आपके हाथों के एक्यूप्रेशर के रिफ्लेक्स पॉइंट्स के ऊपर ये एक प्रोब को घुमा के उनसे फाइंड आउट कर लेती कि ये प्रॉब्लम यहां पर है इस जगह पर एक्यूपंक्चर करने से ये प्रॉब्लम अब ये है कैसे कुछ लोग जो एक्यूप्रेशर के जानकार नहीं है मैं उनके बारे में बता देता हूं उनको उनकी इस चीज के बारे में बता देता हूं कि एक्यूपंक्चर एक्यूप्रेशर का जो इजाद हुआ था वो कई कहानियां हैं 5000 साल पहले बहुत साल पहले मतलब 5000 साल पहले इसके बारे में रिसर्चेस वगैरह शुरू हुई तो किसी को लगा होगा कांटा लगा होगा छाती में दर्द हो रहा था जंगल में जाते हुए कांटा लगा तो कांटा किसी ऐसी जगह पर लग गया जहां पर उसने देखा कि कांटा तो यहां लगा लेकिन मेरी दिल की धड़कन जो है ना वो ऐसे ऐसे हो रहा था तो कम हो गई या मान लीजिए किसी के पैर में कोई कांटा लगा तो उसके कमर का दर्द ठीक हो गया तो उसने सोचना शुरू किया कि ऐसा हुआ क्यों क्या इसका कनेक्शन यहां से है ये करते करते आज 5000 सालों में साइंस इतना एडवांस है आप इससे एड्स का इलाज कीजिए एक्यूपंक्चर एक्यूप्रेशर से आप इससे कैंसर का इलाज कीजिए हर तरह की स्टेज में जाते हमारी कंपनी आज तक की सबसे ज्यादा एडवांस वर्जन बनाने वाली एक्यूपंक्चर इंस्ट्रूमेंट्स वाली कंपनी है इसने जितने भी इंस्ट्रूमेंट अभी तक लॉन्च किए हैं दोस्तों मैं पहले एक इंस्ट्रूमेंट का एग्जांपल देता हूं 7425 रुपए का इंस्ट्रूमेंट था एक्यूपॉइंट रेजर मैंने एक एक आदमी को 250 इंस्ट्रूमेंट दिए मैं एक एक आदमी को जोड़ जोड़ के एक एक आदमी को एक ने एक को बताया एक ने एक को बताया एक ही जगह पर आप सोच के देखिए उस इंस्ट्रूमेंट की क्या वैल्यू थी और जेब में ऐसे लेके घूमते थे हमें खुद इतना ज्यादा कॉन्फिडेंट हो गया था उसके ऊपर कॉन्फिडेंस आ गया था कि अगर मेरे साथ कुछ हो जाए किसी राह चलते आदमी को कुछ हो जाए कौन सा पॉइंट दबाऊं मैं उसको जो है खड़ा कर सकता हूं उस इंस्ट्रूमेंट को जो बेसिक इंस्ट्रूमेंट था एक लाइफ का उस इंस्ट्रूमेंट को मिला था अल्बर्ट आइंस्टाइन का न्यू इन्वेंशन का अवार्ड ये चाइनीज कंपनी ने हमारी जो उस इंस्ट्रूमेंट को जब फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया वर्ल्ड मार्केट में तो लाखों करोड़ों सिग्निफिकेंट सेल्स रिकॉर्ड थे उसके वो इंस्ट्रूमेंट एक खास तरह से मैग्नेटिक फील्ड को सीधा हमारी बॉडी में पेनिट्रेट करवा देता था सेफर साइड में एक्यूपंक्चर और एक्यूप्रेशर में कोई फर्क नहीं है अगर आप किसी पॉइंट को जो एक्यूप्रेशर के पॉइंट्स हैं आपके उसको अगर दबाओ तो एक्यूप्रेशर और आपने स्विच वाली तो एक्यूपंक्चर तो बीच का रास्ता खोजना था क्योंकि स्विच वाना किसी के शरीर में उसके लिए आपको दसों साल की जानकारी चाहिए एक्यूप्रेशर आप दबाते हैं करते हैं तो उसके रिजल्ट बहुत लेट आते हैं तो कंपनी ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स या मैग्नेटिक वेव्स के थ्रू एक्यूपंक्चर करने का तरीका खोजा और बहुत सिंप्लीफाइड तरीके से हाथ के एक्यूप्रेशर के ऐसे चार्ट जिनके ऊपर एक आम आदमी से सलाह लेके नॉर्मल पॉइंट दबा के और उस तरफ उस पॉइंट पे रख के उस इंस्ट्रूमेंट को बिना सुई के एक्यूपंक्चरिंग कर दे रिजल्ट तो आने ही आने क्योंकि आप बिना नॉलेज के एग्जैक्ट एक्यूपंक्चर के पॉइंट के ऊपर एक्यूपंक्चरिंग अगर कर रहे हैं तो रिजल्ट में 100% आना है और ऐसे ऐसे लोग कहना नहीं चाहूंगा लेकिन जनरली इन इंस्ट्रूमेंट के हाथ में रखते हुए आप देखेंगे ओवरऑल बिहेवियर से नहीं देखेंगे कि वो कहीं नजर रखते होंगे डॉक्टर लेकिन कोई जज को ट्रीटमेंट दे रहा है उसकी अच्छी अच्छी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है कोई मिनिस्टर को ट्रीटमेंट दे रहा है इन इंस्ट्रूमेंट की बदौलत ये कैसे पॉसिबल हो पाया वो तो बेचारा एक साधन है हम एक साधन है काम किसने किया टेक्नोलॉजी ने और टेक्नोलॉजी को सिंप्लीफाइड किसने किया यांशी ने एक्चुअली थर्ड जनरेशन प्रोडक्ट है हमारे बीच में और अलग अलग तरह की इंस्ट्रूमेंट कंपनी और ज्यादा एडवांसमेंट में इजाद करती चलेगी तो एक्यूलाइफ में क्या किया इन्होंने कि मैग्नेटिक की बजाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कर दिया इसको मैग्नेटिक तो है ही है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इसमें जो सर्किट बना हुआ है वो इतने कंट्रोल डोजेज में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यानी इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म का एक कॉम्बिनेशन आपके बॉडी के साथ टच करवाने पे अंदर तक पेनिट्रेट करवा देता है जहां हमारे एक्यूप्रेशर के पॉइंट भगवान ने बनाए हुए एक्यूप्रेशर के पॉइंट जो है ऊपर वाले ने बनाए हुए हमारे शरीर के साथ अब उनके जो रिफ्लेक्स हैं वो हाथ में भी हो सकते हैं वो कान में भी हो सकते हैं वो पैरों में भी हो सकते हैं और वो 14 शरीर में जो प्राण शक्तियां चलती हैं एक धारा अगर यहां से चली तो यहां आई तो यहां आई तो यहां आई और उसके बाद करते करते सीधी हार्ट में चलेगी उसके कई अलग जगह पर बस स्टॉप्स हैं एक तरह से यानी उसके रुकने के चांसेस जो है ब्लड के फ्लो के रुकने के चांसेस जहां जहां होते हैं उनको एक्यूप्रेशर के पॉइंट्स बोलते हैं अब उन पॉइंट्स में होता क्या है दोस्तों
जब हमारे शरीर में ब्लड का सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं होता तो सर्कुलेशन प्रॉपर ना होने की वजह से खून गाढ़ा हो जाता है, उसमें टॉक्सिन्स आ जाते हैं और खून जो बना हुआ है हमारा उसमें लोह तत्व का मिक्सचर है। किस चीज का? लोह तत्व का। आयरन, हीमोग्लोबिन का सेंट्रल मॉलिक्यूल जैसे आयरन होता है, तो वो आयरन अगर आप गट्ठर की फॉर्म में या गंदगी की फॉर्म में ज्यादा कहीं इकट्ठा हो जाए उस जगह पर नाली में जहां रास्ता बहुत संकुचित है तो उस जगह पर ज्यादा इकट्ठा हो जाता है। ये इंस्ट्रूमेंट या इसकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इस इंस्ट्रूमेंट में आप यहां पर एक प्रोब देख रहे हैं, वो प्रोब आपने देखी ना, हाथ से ऐसे लोग चेक करते हैं, उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकलती है और बहुत माइन्यूटली आपके उन एक्यूप्रेशर के पॉइंट्स पे उस जगह पर जाके करंट, जिसे आप करंट बोल सकते हैं, सेंसेशन बोल सकते हैं, वो एक फील करवाता है और ये एहसास करवाता है कि यहां पर आपका फ्लो ब्लड का कम है, यानी यहां पर उस आयरन के पार्टिकल ज्यादा गट्ठर की फॉर्म में है तो वो कैच कर लेता है। अब आपने डिसाइड करना है कि जहां सप्लाई नहीं है एनर्जी की वो तो खराब होना ही होना है चीज, चाहे वो हार्ट से जुड़ी हुई हो, चाहे घुटनों से जुड़ी हुई हो, चाहे आंखों से जुड़ी हुई हो, तो ये सिर्फ ये इंडिकेट कर लेता है कि इस पॉइंट को करो भैया, ये आपके इस जगह पर सप्लाई को बंद कर रहा है, तो इसको सप्लाई को अगर आप खोल दोगे तो आपका वो ऑर्गन या वो पार्ट बॉडी का सप्लाई लेने लग जाएगा। और ऑर्गन को हमारे शरीर को और कुछ नहीं चाहिए, ब्लड का सर्कुलेशन चाहिए, वो आप इंप्रूव कर दो तो अपने आप सब कुछ ठीक हो जाएगा, क्योंकि बॉडी अपने आप में इतना बड़ा चमत्कार है कि अगर इसको सप्लाई मिल जाए तो इसको समझाने की जरूरत नहीं कि मुझे क्या ठीक करना है क्या नहीं करना। ये इंस्ट्रूमेंट उन जगहों पर पॉइंट आउट करके एग्जैक्टली बता देता है कि यहां पर आप पंचर कीजिए इस जगह पर, तो पॉइंट भी आपने स्पेसिफिक ले लिया और रहा सारा कसर जो है वो तीव्रता जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की, वहां जाके उन आयरन पार्टिकल्स को डिक्रिस्टलाइज कर देती है, यानी तोड़ देती है, यानी छिन भिन कर देती है, जैसे एक लेजर से आप जो है ना किसी चीज को तोड़ते हो, तो ये लेजर की फॉर्म में काम करती है और उस जगह पर तोड़ देती है। इस तरह से हमारा एक्यूलाइफ काम करता है। इस एक्यूलाइफ की सेल्स रिकॉर्ड आपको मालूम होगा, यहां पर भी बहुत सारे सैकड़ों लोग बैठे होंगे जिनके पास एक्यूलाइफ होगा और उनके रोजाना के कमाई का साधन भी होगा वो। यस, और पार्ट फ्रॉम नेटवर्किंग एक चीज आपने नोटिस की कि ये इनके रोजाना कमाई का साधन भी होगा, बट मेरे उन दोस्तों से रिक्वेस्ट किया है कि जो चीज आपके हाथ में, क्योंकि मैंने ऐसे अपने कई दोस्तों को देके देखा है, वो किसी एक छोटे से गांव क्षेत्र में बसेरा करते हैं और वहां पर इंस्ट्रूमेंट को यूज करते समय बोलते हैं कि इस इंस्ट्रूमेंट को लेने के बाद उसमें फैक्ट्री में ही आग लगा दी ताकि ये इंस्ट्रूमेंट बनाए ना, ये सिर्फ मेरे पास है, ऐसा कहना नहीं हो कई कई लोग करते हैं कि कहीं मेरे पास में लेके ना बैठ जाए दुकानदारी, ऐसा ना करें। आप ऐसा एग्जाम्पल है जैसे पॉल जी की एक डाउनलाइन है ग्वालियर में, उन्होंने अपने लिए लिया आज से 7-8 साल पहले और अभी तक मेरे ख्याल में 350 से ऊपर ले चुके हैं और लोगों को दे चुके हैं, वो भी जोड़ जोड़ के। वो आपके लिए ज्यादा है क्योंकि अगर आपने ऐसा किया है तो क्या आपने ऐसे 100, 150, 200 आगे दिए? आप नहीं दे पाएंगे, क्योंकि ये सेल्समैनशिप में देना और बेचना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन अगर आपने किसी को जोड़ा है तो आगे से आगे आगे से आगे वही आदमी अपने आप कन्विंसिंग करते हुए आपकी नंबर ऑफ पीसेस के बेचने की तादाद को बढ़ाएगा। तो तरीका कौन सा ठीक है? नेटवर्किंग। आपके पास अगर फियांसी का कोई इंस्ट्रूमेंट है तो उसको आप इस तरह से यूज करें, लेकिन बेहतर तरीका है पैसे कमाने का कि आप उसको थ्रू प्रोसीजर दें। तो ये एक्यूलाइफ के बारे में हो गया। इसके साथ और भी बहुत सारी कहानियां जुड़ी हुई हैं, अच्छे से अच्छे रिजल्ट इसके आ जाते हैं। इसको करने के तरीके आपके अलग अलग हो सकते हैं, आप ऐसे प्रेशर के पॉइंट्स के ऊपर भी कर सकते हैं जो पूरे शरीर में फैले हुए हैं। उसके अलावा आप जो है किसी जगह पर आप इसको झाड़ू के तौर पे भी यूज कर सकते हैं। मान लीजिए कि आपके चार्ट में यहाँ आपको क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आपको स्पाइन दिखाई दे रही है। yes. अब इस स्पाइन पे कई लोग जो कहते हैं कि मुझे एग्जैक्ट पॉइंट ढूंढना है, आप कोई कोई पॉइंट मत ढूंढिए, आप फ्रीक्वेंसी को 4 से 5 कर दीजिए, 6 कर दीजिए, 8 कर दीजिए, 10 कर दीजिए, अब एक जगह पर लगाएंगे तो थोड़ा सा करंट ज्यादा मारेगा, वो आदमी हाथ हट जाएगा, लेकिन करंट ज्यादा करके आप उसको ऐसे से फेर देंगे जैसे पेंसिल से रगड़ते हैं या इरेजर से आप कुछ चीज वॉश आउट करते हैं ना, तो आप करके किसी के ऊपर 4-5 मिनट देख लीजिए, जब वो खड़ा होगा तो आपने उसकी स्पाइन को बिल्कुल ओपन अप कर दिया है, और स्पाइन जो है हर चीज से कनेक्टेड है। अगर स्पाइन ओपन अप होती है, आपकी रीढ़ की हड्डी ओपन अप होती है, जैसे नॉर्मली होता है ना कि जिसने तो रीढ़ ही तोड़ दी, ये उसका कुछ कारण है, क्योंकि आपका जो सिग्नल है वो रीढ़ की हड्डी में जाता है, फिर पहले ब्रेन सोचता है, फिर रीढ़ की हड्डी में सिग्नल जाते हैं, रीढ़ की हड्डी से सिग्नल जाते हैं कि ये हाथ हिलाना है, ये उसका वो कलर है। तो रीढ़ की हड्डी को अगर आप साफ रखते हैं तो आप जिंदगी की आधी प्रॉब्लम्स आपकी वैसे ही सॉल्व हो जाती है।
तो एक तरीका ये हो गया आपका कि अगर आप उसको झाड़ू के तौर पे भी इस्तेमाल करें तो यहां पर स्पाइन के साथ साथ रब कर दीजिए, रब कर दीजिए। ऐसा करते हुए मैंने अपनी एक खुद डाउनलाइन को देखा है जिनकी उम्र 70 साल है और जब घर में वो शाम को ऐसे ले लेके बैठते थे तो शुरुआत में मैं कहता था कि इनको आता तो कुछ नहीं है, ऐसे लेके बैठ जाते हैं। फिर देखा कि उनके जब ये चेंज करनी शुरू, उनके रिजल्ट आने शुरू हुए तो यहां से लेके कनाडा तक उन्होंने कम से कम 150 इंस्ट्रूमेंट जो है ओवरऑल करके निकाल दिए। ध्यान रखें 35,910 का इंस्ट्रूमेंट है, हमारे आपसे शायद एक भी ना खरीदा है, लेकिन जो तरीके से करते हैं जो रिजल्ट निकालते हैं इजी हो जाता है आगे से आगे बेचना। अगला एक इंस्ट्रूमेंट लूंगा मैं आपके सामने दोस्तों।